তিনিচুকীয়াৰ জাগুনতে তীৰাপ নৈতে অঘটন গা ধুবলৈ গৈ এতে সোতৰ বছৰীয়া কিশোৰ নিখোজ হৈছে। নিখোজ হোৱা কিশোৰটিৰ নাম ৰহাল তামাং বুলি জানিব পৰা গৈছে। আন পাঁচ কিশোৰৰ লগত গা ধুবলৈ গৈছিল নমাইল ঘাটত আৰু নিখোজ কিশোৰটিৰ ঘৰ জাগুনৰ লাককলাত বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জাগুন আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে। मेरा नाम दावा लामा, मैं शिमला से आया हूँ। तो उन लोगों आज तो भाई का यहाँ पर है ना छः जन था, इधर में छः जाना था। तो छः जाने होते समय तो ये आकाश और ये रोशन जो खेल रहा था लोगों, तो उन दोनों खेल रहा था बोला। उसके बाद एक भाई मुझे बुलाने आया घर में, मैं पूजा जाके आया था उसी समय में। तो उस समय मुझे बुलाने आया तो मैं एकदम दौड़ मार के आया तो बचाने के लिए। तो आया तो बताया कि उधर में डूबा है। तो मैंने खुल के कपड़ा खुल के गया तो इधर देखने के लिए, तो नहीं मिला मुझे, तो कुछ क्लू नहीं था। तो हम दो आदमी गया था तब भी नहीं मिली। তিনিচুকীয়াৰ জাগুনতে তীৰাপ নৈতে অঘটন গা ধুবলৈ গৈ এতে সোতৰ বছৰীয়া কিশোৰ নিখোজ হৈছে। নিখোজ হোৱা কিশোৰটিৰ নাম ৰহাল তামাং বুলি জানিব পৰা গৈছে। আন পাঁচ কিশোৰৰ লগত গা ধুবলৈ গৈছিল নমাইল ঘাটত আৰু নিখোজ কিশোৰটিৰ ঘৰ জাগুনৰ লাককলাত বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জাগুন আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে। मेरा नाम दावा लामा, मैं शिमला से आया हूँ। तो उन लोगों आज तो भाई का यहाँ पर है ना छः जन था, इधर में छः जाना था। तो छः जाने होते समय तो ये आकाश और ये रोशन जो खेल रहा था लोगों, तो उन दोनों खेल रहा था बोला। उसके बाद एक भाई मुझे बुलाने आया घर में, मैं पूजा जाके आया था उसी समय में। तो उस समय मुझे बुलाने आया तो मैं एकदम दौड़ मार के आया तो बचाने के लिए। तो आया तो बताया कि उधर में डूबा है। तो मैंने खुल के कपड़ा खुल के गया तो इधर देखने के लिए, तो नहीं मिला मुझे, तो कुछ क्लू नहीं था। तो हम दो आदमी गया था तब भी नहीं मिली।